हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक लवर। दोस्तों स्नैक रेस्क्यू के लिए अभी हम रामपुर गांव आए हैं। यहां से लोगों ने हमें कॉल किया और एक बहुत बड़े सांप देखने की बात कही गई है, तो हम तुरंत पहुंच चुके हैं यहां पर जगह पे। और आप लोग बता रहे हैं कि यहीं पर इसी जगह पे एक बड़ा सांप देखा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा कोबरा सांप है जिसे लोगों ने यहाँ पर अभी देखा है। और सर्दियाँ आ गई है जिसकी वजह से ये सांप हाइबरनेशन पीरियड में गया था और इस वजह से ज्यादा एक्टिव नहीं है। ठंडा मौला आ गया इसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। ठंडा मौला आ गया मन हाँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफी बड़ा कोबरा सांप है और ये छिपने की तलाश में जो है ईंट के ढेर में जा रहा था। लोगों ने इन्हें देख लिया और लोग काफी भयभीत हो गए चूंकि इसने अपना हुड फैला लिया था और लोग इसकी हुड देख के काफी डर गए थे, भयभीत हो गए थे। तो लोगों ने हमें कॉल किया और हमने आकर इसका रेस्क्यू कर लिया है। दोस्तों हम बताते चले, ये एक जहरीला सांप होता है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है। ऐसा सांप यदि आपको बाइट करता है तो आप लोगों को इधर उधर नहीं जाना है, आप लोगों को सीधा हॉस्पिटल जाना है, वहां जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और इसके जहर से बच सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना बड़ा सांप है लेकिन यह काटने की कोशिश नहीं कर रहा है, यह भागने की कोशिश कर रहा है। हम हमेशा अपने वीडियो में यह बात बताते हैं दोस्तों कि सांप जो है आपको काटने नहीं आते हैं, वह बचने के फिराक में रहते हैं, बच के भागना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने शिकार से मतलब रहता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको काट लेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका रेस्क्यू कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एक मीडियम साइज का स्पेक्टिकल कोबरा है जिसे हम लोग हिंदी में नाग सांप, अपनी भाषा में गेहमन सांप और इसका साइंटिफिक नेम नाजा होता है। नाजा चलिए अब हम इसका रेस्क्यू करते हैं दोस्तों, कर लेते हैं। तो आपने देखा दोस्तों इस स्पेक्टिकल कोबरा का रेस्क्यू हम लोगों ने काफी अच्छी तरह से कर लिया और
हम बताते चले, ये रामपुर गांव है और यहां हम लोग स्नेक रेस्क्यू कई बार कर चुके हैं और यहां के गांववासी जो है सांप नहीं मारते हैं। इन लोगों को अगर सांप दिखता है तो लोग हमें कॉल करते हैं। इसी तरह आप लोग इनसे कुछ सीख लीजिए और जिस तरह इन लोगों ने सांप बचाने का बीड़ा उठाया है, सांप को बचाते हैं, सांप को देखने के बाद मारते हैं, उस तरह आप लोग भी मत मारिए। अगर सांप आपके आसपास दिखाई देते हैं तो किसी स्नेक सेवर को कॉल कीजिए और स्नेक सेवर की मदद से आप उस सांप से छुट्टी पा सकते हैं, उन्हें उनके नेचुरल जगह यानी जंगल में आप रिलीज करवाइए। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा स्नेक रेस्क्यू वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार फिर से और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।